आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। एक कॉल और खाते से उड़ गए 16 लाख रुपए। ठगी के इस नए जाल से कोई कैसे बचाए अपनी गाढ़ी कमाई। देश में हर दिन साइबर क्रिमिनल्स द्वारा लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आम तौर पर ठग लोगों को बहला फुसला कर उनकी निजी जानकारियां हासिल कर उनके बैंक अकाउंट को खाली देते हैं। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें एक अनजान नंबर से आई कॉल पर बात करने से ही एक व्यक्ति का खाता खाली हो गया। द्वारका के रहने वाले 73 वर्षीय रामवीर सिंह चौधरी का कहना है कि उन्होंने कॉल करने वाले व्यक्ति की सिर्फ बातें सुनी थी, उसके कहे अनुसार कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसके खाते से 16 लाख रुपए किसी ने निकाल लिए। द्वारका साइबर पुलिस ने रामवीर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित रामवीर सिंह चौधरी ने बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने उनसे उनके मोबाइल सिम को 4G से 5G में अपग्रेड करने की बात कही थी। उन्होंने कॉल करने वाली को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसे किसी भी तरह की निजी जानकारी नहीं दी और न ही किसी लिंक पर क्लिक किया। लेकिन कॉल आने के 3 दिन के भीतर उसके बैंक अकाउंट से 16,64,300 रुपए निकाल लिए गए। निशाने पर वरिष्ठ नागरिक, देश की राजधानी में यह पहली बार नहीं है, है जब बुजुर्ग लोगों को ऐसे डिजिटल स्कैम्स का शिकार बनाया गया हो। इसी वर्ष जुलाई में दक्षिण दिल्ली के सीआर पार्क निवासी 72 वर्षीय कृष्णा दास गुप्ता भी एक ऐसे ही स्कैम में फंस गई, जिसमें ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर उनके बैंक खातों से 83 लाख रुपए चुरा लिए थे। पिछले वर्ष मुंबई पुलिस के फर्जी अधिकारी बनकर एक 72 वर्षीय व्यक्ति को यह कहकर ठगा गया कि वह मलेशिया में बाघ की खाल की तस्करी के मामले में फंसे हुए हैं। ठगों ने इस आधार पर उससे पैसे वसूले। मई में एक बुजुर्ग को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आई जिसमें एक महिला अश्लील हरकतें करती दिखी। बुजुर्ग ने तुरंत कॉल काट दी, लेकिन उन्हें जल्द ही साइबर क्राइम डिवीजन के नाम से कॉल आने लगे। ठगों ने स्क्रीनशॉट वायरल करने और गिरफ्तारी की धमकी दी, जिससे डरकर बुजुर्ग ने ठगों को 47,076 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे कॉल से सतर्क रहें और किसी भी अनजान नंबर से आने वाले संदेशों या कॉल्स पर भरोसा न करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।